कूल्हे के जोड़ का एवीएन या ए वैस्कुलर नेक्रोसिस क्या है, इसके बारे में कई सारे व्यूअर्स ने हमसे प्रश्न किया है। देखिए, कूल्हे का जोड़ ऐसा जोड़ है जो आपके शरीर का पूरा वजन लेता है, परंतु दुर्भाग्यवश अगर कूल्हे की हड्डी में खून का प्रवाह कम हो जाए तो कूल्हे की हड्डी गल जाती है, जिसको ए वैस्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है। यह तकलीफ कई बार स्टीरॉइड का सेवन करने से, अगर आपको पहले कोरोना हुआ है तो उसके कारण से, अत्यधिक शराब का सेवन करने से, चोट लगने के कारण, या कई बार बिना किसी कारणवश भी हो सकती है। कई बार कुछ हेरिडेटरी खून की बीमारियां होती हैं, जैसे सिकल सेल डिजीज, उसमें भी यह तकलीफ देखने को मिलती है। यह एक दर्दनाक प्रॉब्लम है, इसमें कूल्हे में दर्द होना शुरू हो जाता है, खास तौर पे कूल्हे के आगे के हिस्से में दर्द होता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, ज्यादा वॉक करना मुश्किल हो जाता है, बैठना सोना भी तकलीफदेह हो सकता है, और आपको चलने में लंगड़ाहट होने लग जाती है। यह बीमारी एक स्टेजिंग प्रोसेस से पास करती है। शुरुआती स्टेजेस में दवाइयों से और कोर डिकम्प्रेशन की सर्जरी से इलाज मुमकिन है, परंतु अगर स्टेज 2 ए से ऊपर की तकलीफ आपको आ जाती है और जो कूल्हे की हड्डी है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाती है, तो उसके उपरांत जो इसका ट्रीटमेंट है वह हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी है, जिसमें हमको कूल्हे के जोड़ को चेंज करना पड़ता है, और कूल्हे के जोड़ को चेंज करके यह तकलीफ से हम निजात पा सकते हैं। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत ही सफल सर्जरी है, जिसमें कूल्हे के जॉइंट को बॉल और सॉकेट दोनों ही तरफ चेंज कर दिया जाता है, और इस सर्जरी को करने के बाद आपका जो दर्द है वो चला जाता है, चलने की लंगड़ाहट चली जाती है, जो आपके पाँव में लेंथ का डेफिशिएंसी है वो भी एकदम समान हो जाता है, अगर एक पाँव छोटा बड़ा हुआ है तो वो भी हम मैनेज कर सकते हैं, और आप अपना सभी काम जो है वो सुचारू रूप से कर सकते हो। तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो जिन पेशेंट्स को एवीएन की प्रॉब्लम हुई है, ग्रेड 2 ए से अधिक है, उनके लिए एक वरदान समान सर्जरी है, और इस सर्जरी को करके इस तकलीफ से हम पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। अब कई सारी अप्रोचेस हैं जो हम इस सर्जरी को करने में प्रयोग में ले सकते हैं। कई सारे सर्जन्स पोस्टीरियर अप्रोच यूज कर सकते हैं, पोस्टीरियो लैटरल अप्रोच यूज कर सकते हैं, हम एंटीरियर अप्रोच भी यूज करते हैं। तो अप्रोच जो है वो बहुत जो है फर्क नहीं करती है, हर सर्जन अपने अनुसार जो है अप्रोच कर सकता है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि इसमें इम्प्लांट का पोजीशन जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, वर्जन बराबर होना चाहिए, फिटिंग बराबर होना चाहिए, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जो अप्रोच है वो आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट में बहुत जो है मैटर नहीं करती है। कई सारे व्यूअर्स ने हमसे पूछा है कि कौन सा जॉइंट हमको यूज करना चाहिए। तो देखिए, आजकल जो है ये प्रूव हो चुका है कि जो अनसीमेंटेड जॉइंट है वो सीमेंटेड जॉइंट के मुकाबले एक बेहतर जॉइंट है, और हम यहाँ पे एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद में अनसीमेंटेड जॉइंट ही प्रेफर करते हैं। अधिकांश पेशेंट्स में हम अनसीमेंटेड जॉइंट जो है वो प्रेफर करते हैं। बियरिंग सरफेस, मतलब कौन सा सरफेस लगाया जाना चाहिए, तो उसमें अधिकांश पेशेंट में हम सेरामिक ऑन पॉली जो है वो बेयरिंग सरफेस प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और इसमें और प्रॉब्लम जैसे स्क्वीकिंग या जो सेरामिक फ्रैक्चर्स होते हैं वह चांस कम होता है। तो अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम सेरामिक ऑन पॉली जॉइंट प्रेफर करते हैं, इसका जो है वो लॉन्गिविटी भी अच्छा होता है और इसकी जो प्रॉब्लम्स है उसका भी चांस कम होता है। अब कई सारी कंपनीज हैं जो इसके जॉइंट्स बनाती हैं, कंपनी से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, हम किसी भी कंपनी के जॉइंट को प्रयोग करके रिजल्ट अच्छा दे सकते हैं, परंतु अगर मैं आपको शॉर्ट में कहूं तो सेरामिक ऑन पॉली जॉइंट और अनसीमेंटेड जॉइंट का अगर हम यूज करेंगे तो हम आपको काफी अच्छे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट्स को पैसे की तकलीफ है, वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो रेगुलर मेटल ऑन पॉली अनसीमेंटेड जॉइंट भी किया जा सकता है।
सीमेंटेड जॉइंट जो होता है वो थोड़ा सस्ता जॉइंट होता है, पर आज की डेट में हम वो बहुत रिकमेंड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ी सी पैसे की व्यवस्था करके और अनसीमेंटेड जॉइंट सेरामिक ऑन पॉली की तरफ अपना जो है वो जो जॉइंट है वो करवाना प्रेफर करें। दोस्तों आज मैं आशा करता हूं कि एवियन हिप और हिप रिप्लेसमेंट के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दे पाया हूंगा। अगर आपको और